डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। टुडे वी विल कवर चैप्टर 9, चेंजिंग फैमिलीज पार्ट 2 ऑफ क्लास 4 सब्जेक्ट टीवीएस। तो स्टूडेंट, चेंजिंग फैमिलीज पार्ट 1 में हमने पढ़ा था निम्मी की फैमिली में उसकी नई सिस्टर, न्यू बॉर्न सिस्टर आने से काफ़ी खुशी का माहौल था। देन जेरिंग फैमिली, जेरिंग के फैमिली में क्या हुआ था कि उसके फादर का प्रमोशन हो गया था और उन्हें दूसरी सिटी में जाना पड़ा था, तो उन्हें खुशी के साथ साथ दुख भी था। तो आज हम चेंजिंग फैमिली पार्ट 2 में नजली की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके यहाँ भी एक नई मेहमान आने वाली है और उसके फैमिली में किस तरह से चेंजेस होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। इट्स वेडिंग, यहाँ शादी का बताया गया है। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टूडे। तो आज नजली के घर में काफ़ी ग्रेट फंक्शन है और उसे काफ़ी खुश दिखाई दे रही है वो। हर इल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। तो उसके जो इल्डर कज़न भाई है उनकी मैरिज हो रही है। आप लुक एट दिस पिक्चर ऑल स्टूडेंट्स, तो इस पिक्चर में देख सकते हैं दुल्हन है जो घूंघट लिए बैठी हुई है और साइड में नजली बैठी है। देन सेकेंड पिक्चर में उनकी जो होने वाली सास होगी वो मुँह दिखाई का प्रोग्राम चल रहा है और ये नजली है। तो आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा, अगर आपके घर में किसी आपके बड़े भाई या सिस्टर की शादी होती है तो काफ़ी हम लोग ग्रेट फन करते हैं। तो इसी तरह नजली ने भी अपने फैमिली में काफ़ी ग्रेट फन किया था। जैसे उसके इल्डर कज़िन ब्रदर दिखाई दे रहे हैं और उनकी वाइफ है जो दुल्हन है जो घर में प्रवेश कर रहे हैं। देन सेकेंड लास्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा कि खाने पीने का जो प्रोग्राम हो रहा है। लेट्स टॉक, डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नजली फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? वॉट विल चेंज? क्या आप सोच सकते हैं कि नजली की फैमिली में वेडिंग शादी होने के बाद क्या चेंजेस आए होंगे? तो नजली की फैमिली में क्या चेंजेस आए होंगे, तो उनकी जो नई दुल्हन आई होगी तो काफ़ी उन्हें एक्साइटमेंट उन्हें महसूस हुआ होगा। डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम? वॉट काइंड ऑफ चेंजेस? ब्राइड मीन्स दुल्हन। तो दुल्हन जिस घर से मीन्स उसके मायके से अगर आई होगी तो वहाँ क्या चेंजेस आए होंगे, क्या आप बता सकते हैं? तो आप बता सकते हैं नजली सिस्टर इज इन लॉ से स्टे विद देम फैमिली मेम्बर एंड वर्क फॉर देम। उसके घर में उसकी ससुराल में आ जाने से काफ़ी तो दुख महसूस हुआ होगा उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू योर मदर एंड आंट इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। तो अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर या आंटी होगी तो उन्हें आप पूछ के बताइए कि शादी के पहले वो कहाँ रहते थे। तो आप लिख सकते हैं दे लिव्ड विद देयर पेरेंट बिफोर दे गॉट मैरिड। तो शादी के पहले वो अपने पेरेंट के साथ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर द मेम्बर्स इन देयर फैमिलीज दैन? तो आप उनके फैमिली में कितने मेम्बर्स हो गए होंगे, तो जैसे लिख सकते हैं आप देयर पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे आर द मेम्बर्स इन देयर फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली इज़ बिन मैरिड रिसेंटली? हु, क्या आपकी फैमिली में कोई हाल ही में किसी की मैरिड हुई है? हु, कौन है वो? तो आप लिख सकते हैं यस माई कज़िन सिस्टर गॉट मैरिड रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। तो आप अपने क्लास में से अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि उनके घर अगर शादी हुई होगी तो उनके फैमिली में किस तरह के खुशियाँ बांटी गई होगी या चेंजेस आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक? तो वहाँ किस तरह का स्पेशल फूड बना होगा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट आप डिशेज के बारे में लिख सकते हैं, जैसे लाइक शाही पनीर, बासमती राइस, दाल एक्सेट्रा इज कुक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर? कौन से ऐसे स्पेशल क्लॉथ्स हैं जो ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम पहनते हैं? तो दुल्हन और दूल्हा की जो स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं, जैसे लाइक द ब्राइड ओर रेड लहंगा चोली एंड द ब्राइड ग्रूम ओर शेरवानी एंड पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस आर परफॉर्म एट वेडिंग? तो किस तरह के सॉन्ग एंड डांस परफॉर्म होते हैं वेडिंग में? तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांस आर परफॉर्म एट वेडिंग्स। व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंड? ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक, देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट।
तो आपने कोई वेडिंग अटेंड की है तो इस पिक्चर को आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है और अपने क्लासमेट्स को शो करना है. वी सॉ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस फैमिलीज निमी जेरिंग एंड नजलीज फैमिली इन डिफरेंट रीजन. तो आपने देखा होगा कि निमीज नजलीज एंड जेरिंग फैमिली में किस किस तरह के डिफरेंट चेंजेस आए थे, तो किस रीज़न के वजह से, तो ये आप लिखना है. राइट डाउन द रीजन्स फॉर दिस चेंजेस. चेंजेस आने के रीजन्स यहाँ लिखने हैं इन निमीज फैमिली. निमीज फैमिली में क्या चेंजेस आया था, तो आप लिख सकते हैं इन निमीज फैमिली अ न्यू बेबी इज बॉर्न, वन फैमिली मेम्बर इंक्रीज. तो उसकी फैमिली मेम्बर आने से बढ़ गई थी उसकी फैमिली. देन इन जेरिंग्स फैमिली, देरिंग्स फादर गॉट ट्रांसफर इट जॉब, फैमिली मेम्बर्स आर रिड्यूस. तो उसकी फैमिली जाने की वजह से उनकी फैमिली कम हो गई थी, मेम्बर्स कम हो गए थे. देन इन नजलीज फैमिली आप लिख सकते हैं हर कजिन गॉट मैरिड, एज अ रिजल्ट हर सिस्टर इन लॉ केम इन देअर फैमिली. उसकी कज़िन की शादी होने के बाद उसकी सिस्टर इन लॉ इन भाभी उसके घर में आने के वजह से उसकी एक और फैमिली बढ़ गए थे, मेंबर बढ़ गए थे. देयर कैन बी मेनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिली. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स. काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में रीजन्स होते हैं फैमिली चेंज होने के, क्या आप और रीजन बता सकते हैं? हम बता सकते हैं फर्स्ट गेटिंग मैरिड, ट्रांसफर इन जॉब, बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू थ्री ओल्ड पीपल, वन फ्रॉम योर फैमिली, वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड वन फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड. Ask them these questions and fill in the table. यहाँ टेबल दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी फैमिली के बारे में, योर फैमिली, आपकी फ्रेंड की फैमिली एंड नेबर्सहुड फैमिली, आपकी पड़ोसी की फैमिली के बारे में. फर्स्ट क्वेश्चन, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर. कितने साल से रह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं इतनी फैमिली के मोर देन 100. देन फ्रेंड की फैमिली में बता सकते हैं 50 ईयर्स से रह रहे हैं वो लोग. देन नेबरहुड 5 ईयर्स से रह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर. तो आप लिख सकते हैं ओरिजिनली कहाँ से आए, इन राजस्थान या इन उत्तर प्रदेश, इनके प्लेस के बारे में लिख सकते हैं. हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टूडे. तो आज इन सभी की फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, तो आप फैमिली के मेम्बर्स के बारे में बता सकते हैं. तो 5 फ्रेंड की फैमिली में, आई थिंक 6 नेबर्स फैमिली, 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेम्बर्स वेयर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स एगो. 10 ईयर्स एगो में कितनी फैमिली मेम्बर्स थी, तो लिख सकते हैं योर फैमिली 6, फ्रेंड्स फैमिली 5, नेबर फैमिली 10. ये डिफरेंस आंसर भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट वेयर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर. तो पिछले 10 साल से आपकी फैमिली में चेंजेस होने के क्या रीजंस है, तो आप बता सकते हैं अवर फैमिली में डेथ ऑफ ग्रैंडफादर, नेक्स्ट फ्रेंड फैमिली बर्थ ऑफ सिस्टर एंड लास्ट नेबर्स फैमिली चेंज ऑफ एज ऑफ प्लेस. हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस. तो आप किस तरह से फील करते हैं इस चेंजेस को, क्या अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती तो कोई लिख सकते हैं आई फील बैड फॉर माय नेक्स्ट न्यू. अगर कोई सिस्टर आ जाती है तो ही फीलिंग गुड फॉर हिज और नेक्स्ट मिसेस ऑफ हर फैमिली. अगर कोई चले जाता है फैमिली से दूर तो उनको हम उसको मिस करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. तो नए टेक्नोलॉजी की वजह से क्या प्रॉब्लम को हमने फेस किया है, क्या चेंजेस आए हैं. जस्ट लाइक मोबाइल टीवी का आ जाने की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं फैमिलीज में और चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट, माई फैमिली एस्टरडे टूडे टुमारो. एस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टूडे मीन्स आज एंड टुमारो मीन्स आने वाला कल. ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन. हैज़ योर फैमिली चेंज टू. देखो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से कुछ फैमिली चेंजेस हो जाती है, क्या आपकी फैमिली चेंज हुई है, आप लिख सकते हैं यस माई फैमिली चेंज एज वेल. नेक्स्ट, वैन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हैज चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टूडे. तो अगर आपकी ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जो चिल्ड्रंस रहे होंगे तो क्या आपकी फैमिली की आज की फैमिली की जैसे रहे होंगे, आप लग सकते हैं नो, क्योंकि उनका तो ज़माना चेंज रहा होगा. नो इट वॉज डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट रहा होगा. दे हैड मोर फैमिली मेम्बर्स, तो पहले के ज़माने में काफ़ी सारे मेम्बर्स एक साथ रहते थे.
Do you remember the picture of Sitamma's family tree which we saw in class 3rd? आपको याद होगा क्लास 3rd में आपने पढ़ा था सितम्मा फैमिली ट्री के बारे में. नेक्स्ट, यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली. लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक. आपने 3rd में जैसे फैमिली ट्री के बारे में बताया था और अपने नोटबुक में ड्रॉ किया था, उसी तरह से अब दिस ईयर ऑल्सो यू ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन योर नोटबुक. नेक्स्ट, आस्क योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हाउ मेनी मेम्बर्स वेयर देयर इन देयर फैमिलीज वैन दे वेयर योर एज. देन ड्रॉ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिलीज वैन दे वेयर यंग. तो आप अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को भी पूछ के उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में फैमिली ट्री बता सकते हैं. नेक्स्ट, कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनी वेयर इन दिस फैमिली ट्री. इस फैमिली ट्री में आप अपने खुद के बारे में फैमिली ट्री बना सकते हैं. उसमें आपके ब्रदर, सिस्टर्स, मदर एंड फादर होंगे. नाउ ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक. और आज आपके प्रेजेंट फैमिली के ट्री के बारे में आप नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री. हु आर द मेम्बर ऑफ द योर फैमिली टूडे. वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट. तो क्या आप अपने फैमिली मेम्बर के बारे में ट्री के बारे में देख सकते हैं. हु आर द मेम्बर्स आपकी उस फैमिली ट्री में, आज के फैमिली में कितने मेम्बर्स दिखा दे रहे हैं. वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, और आपकी ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं. तो आप लिख सकते हैं यस द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली टूडे आर माई पेरेंट, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स. माई ग्रैंड पेरेंट्स आर एट द टॉप ऑफ द फैमिली ट्री. तो ग्रैंड पेरेंट जो होंगे वो टॉप ऑफ द ट्री होंगे. Now let's move page number 75. Let's talk. Can you tell in what ways the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? तो आप अपने फैमिली ट्री बना सकते हैं जैसे मदर के साइड्स के. तो जो मदर के साइड वाली फैमिली ट्री होती है उसमें मेटरनल साइड कहते हैं, एंड पापा की जो फैमिली ट्री बनाओगे उसे हम पैटर्नल साइड ट्री कहते हैं. Going back to school, up to which class do you want to study? आप किस क्लास में पढ़ना चाहते हैं, किस क्लास तक पढ़ना चाहते हैं. तो लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टडी टिल PhD. नेक्स्ट, अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड. आपके पेरेंट्स ने किस क्लास तक पढ़े हैं. माई पेरेंट्स हैव स्टडीड टिल मास्टर डिग्री. तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स. ओन यू राइट ओन माइंड. नेक्स्ट, टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी. कि आपकी ग्रैंड मदर को कौन सी क्लास तक पढ़ने का उन्हें मौका मिला था. आप लिख सकते हैं माई ग्रैंड मदर गॉट द चांस टू स्टडी टिल क्लास 10th. यूर ऑल्सो डिफरेंट आंसर, क्योंकि पहले के ज़माने में जो लेडीज़ हुआ करती थी उन्हें पढ़ाई करने का मौका काफ़ी कम दिया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड. किस एज में आपकी ग्रैंड मदर की मैरिड हुई थी. तो आप उन्हें पूछ के लिख सकते हैं. यूर ऑल्सो डिफरेंट आंसर, जस्ट लाइक शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 14. नेक्स्ट, हाउ यू हियर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक अबाउट द एज बिफोर विच गर्ल एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड. तो आपने किसी ऐसे लॉ के बारे में, इस कानून के बारे में पढ़ा है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ की मैरिड के बारे में बताया गया है. तो आप यहाँ लिख सकते हैं यस बॉयज़ मस्ट not get married before 21 years and girls should not get married before 18 years. तो जो बॉयज़ होते हैं वो 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते और जो गर्ल्स होती है वो 18 years के पहले शादी नहीं करती. इसमें क्या होता है कि बॉयज़ की जो है 21 एज के पहले वो शादी नहीं कर सकते, वो कानून गुना होता है. नेक्स्ट, देयर आर मैनी गर्ल्स हु हैड मैरिड बिफोर दे आर 18 years old. तो ऐसी काफ़ी सारी गर्ल्स होती है जो 18 ईयर के पहले उनकी शादी हो जाती है. मेनी ऑफ देम हैव टू इवन है लीव स्कूल. किसी को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है. देयर आर मेनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट
हु आर गोइंग बैक टू स्कूल. तो मैनी ट्रू स्टोरीज़ बताई गई है गर्ल्स के बारे में, जैसे एक सुशीला रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो वहाँ उसे फिर से स्कूल जाने के लिए उन्हें मौका दिया गया था. शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत, तो उनकी गांव की जो पंचायत थी उन्होंने उनकी हेल्प की थी कि वो फिर से पढ़े. द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ. तो जो पंचायत थी उनके गांव की, उनका कहना था कि वो जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें सिर्फ खेलना चाहिए और स्टडी करना चाहिए, ना कि उनकी जल्दी मैरिज हो जानी चाहिए. अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल. तो आंध्र प्रदेश के कुछ स्पेशल कैंप्स के लोग होते हैं जो गर्ल्स की मैरिज ना होने के लिए हेल्प की जाती है और उन्हें बैक स्कूल भेजने के लिए वो हेल्प करते हैं. जनगमा एंड चिट्टी से वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन अवर ओन फीट. जंगम्मा एंड चिट्टी कहते हैं वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट. तो हम पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं. फाइंड आउट एंड राइट. आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल? हियर आस्क कि आपके नेबरहुड में ऐसे कोई चिल्ड्रंस है जिन्होंने स्कूल ड्रॉप किया है? तो आप लिख सकते हैं नो, देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, दे आर ऑल गोइंग टू स्कूल. वे सभी स्कूल जाते हैं. नेक्स्ट, वॉट आर दे डूइंग दिस डेज, उन दिनों में वो क्या करते हैं? दे आर ऑल स्टडिंग, तो पढ़ाई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ एनी बडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? हु, क्या हाल ही में आपकी फैमिली में किसी की मैरिड हुई है, और है तो कौन है? तो लिख सकते हैं यस माई कज़िन इज मैरिड रिसेंटली. नेक्स्ट, वॉट वॉज द स्टेज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम, जो ब्राइड और ग्रूम की एज क्या है वो लिखना है. द ब्राइड इज 24 ईयर ओल्ड एंड द ग्रूम इज 27 ईयर ओल्ड. वॉट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे ओल्ड, किस तरह के ड्रेसेस ब्राइड एंड ग्रूम पहनते हैं वो लिखना है. जैसे ब्राइड जो होती है रेड लहंगा चोली विथ रेड दुपट्टा, देन ग्रूम शेरवानी एंड पगड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वेयर दे आर नेम देन, तो किस तरह की डिशेज, अगर शादी में आप लोग जाते हो तो डिफरेंट डिशेज आपको दिखती है, खाते हो आप लोग, तो उन डिशेज़ के आपको नाम लिखने हैं. जैसे लाइक पूरी सब्जी, बिरयानी, स्वीट्स, रायता, चाउमीन, वेज पुलाव, मिक्स वेजिटेबल एक्सेट्रा. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर चेंजिंग फैमिलीज कंप्लीट होता है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.